हेलो गाइस, सो नाउ एग्जांपल नंबर 18। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ दी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एफ एक्स इक्वल थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, सो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा एंड बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। सो जो मैंने अपना लास्ट प्रॉब्लम अभी आपको सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में, वैसे ही हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वहां पर लिख लेते हैं। हमने फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इसका मतलब हमने के एक्स स्क्वायर माइनस, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, ए प्लस वी एक्स मीन सम ऑफ जीरोज एन प्लस ए वी। मैंने यहाँ पे इसको इससे रिप्रेजेंट क्यों किया, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये अल्फा बीटा पहले से गिवन है हमको, जीरोज का मतलब हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कि अल्फा बीटा फाइंड करना है, बट यहाँ पे पहले से अल्फा बीटा है। इसलिए मैं अदर वेरिएबल्स आपको बताया कि हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है यहाँ पे ए प्लस वी एंड ए बी। ठीक है, हमने सिर्फ जीरोज फाइंड करना है, मतलब हमने इन दोनों का एडिशन करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, अपना आंसर लेके आना है। तो आप बोल सकते हैं कि वेयर ए इक्वल अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा एंड वी इक्वल बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। सिंपल, हमने सिर्फ इन दोनों का एडिशन फाइंड करना है, मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है, तो इसका सम हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। अब देखिए, आपके पास जो फंक्शन गिवन है, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है इसका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्लस माइनस प्लस हमने लगा दिया, ये आपको हो जाएगा यहां से अल्फा प्लस बीटा इक्वल फोर ओवर थ्री एंड अल्फा बीटा इक्वल वन ओवर थ्री। अब देखिए, अब आपने इसमें क्या करना होगा, हमने पहले लेना है सम ऑफ जीरोज, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं ए प्लस वी के थ्रू। सो ए प्लस वी का मतलब इन दोनों का एडिशन, सिंपल। सो अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। अब इस दोनों का एडिशन आपका आ जाएगा अल्फा बीटा, तो बीटा से बीटा कैंसिल, इट विल बी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखिए, हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे है, बट हमको फाइंड करना है इस वैल्यू को अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा के फॉर्म में, तो हम कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, जो मैं यूज करती हूँ मैं इसको साइड में लिख देती हूँ। हम यूज करेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा टू दी पावर थ्री इक्वल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्री अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। हमको वैल्यू चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, मतलब इसकी चाहिए, तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल अल्फा प्लस बीटा टू दी पावर थ्री माइनस थ्री अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सो हमने इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, सो हम वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, ये आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा टू दी पावर थ्री माइनस थ्री अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब देखिए, आपके पास सभी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, सो अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला हुआ है फोर ओवर थ्री एंड वन ओवर थ्री, सो हम जस्ट वैल्यू को पुट कर देते हैं। सो इट विल बी फोर ओवर थ्री टू दी पावर थ्री माइनस थ्री इंटू वन ओवर थ्री एंड फोर ओवर थ्री अपॉन वन ओवर थ्री। इसको सॉल्व करेंगे, सो सिक्सटी फोर ओवर ट्वेंटी सेवन माइनस, देखिए कैंसिल होके आपको मिल जाएगा फोर ओवर थ्री एंड अपॉन में हमको मिलेगा वन ओवर थ्री। एलसीएम लेंगे इसका, सो एलसीएम आपका ऊपर आ जाएगा ट्वेंटी सेवन, सो सिक्सटी फोर माइनस ये जाएगा नाइन टाइम्स, सो नाइन फोर थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स अपॉन वन ओवर थ्री। हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में। देखिए, जब आप इन दोनों का माइनस करेंगे, सो हमारा माइनस यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा ट्वेंटी एट इंटू थ्री ओवर ट्वेंटी सेवन, ये कट जाएगा आपका नाइन टाइम्स, तो आपको यहां से सम ऑफ जीरोज मिलेगा ट्वेंटी एट ओवर नाइन। अब हमको क्या निकालना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो हम निकाल लेंगे अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो उसके लिए हमको यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है, देखिए ए एंड वी की वैल्यू फाइंड करनी होगी हमको, सो हमने लगाना है ए वी के लिए। सो आपके पास जो ए की वैल्यू है वो क्या है, अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा एंड बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा, तो हमने सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है। सो अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा इंटू बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा एंड अल्फा अल्फा टाइम्स, तो आपको यहां से मिल जाएगा सिर्फ अल्फा बीटा। एंड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है वो आपको पता है, आपके पास डायरेक्टली है वैल्यू अल्फा बीटा की वन ओवर थ्री। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने जस्ट वैल्यू को पुट करना है जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था के एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस वी एक्स प्लस ए वी में,
तो हम देखिए यहाँ पे से वैल्यू को पुट करते हैं, सो आपकी इक्वेशन आ जाएगी रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल, सो के एक्स स्क्वायर एंड वेयर के इज अ रियल नंबर, सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो हमारा क्या फाइंड हुआ था 28/9, तो 28/9 एक्स प्लस 1/3। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेयर के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, बट जीरो नहीं हो सकता है, रियल नंबर होगा, ठीक है।